भी मुल्क और किसी भी कौम की तरक्की का राज वहाँ के इलाके के बेहतर मवासलात पर मुसर होता है। सांगड़ जिला जो कि तराब के साथ साथ जहाँ पर ऑयल एंड गैस के हवाले से भी अपनी मसाला पड़ता है, सांगड़ के अंदर हर साल 5 लाख हेक्टेयर पर जहाँ पर गंदम के साथ साथ कपास की काश्त के साथ साथ फ्रूट और दीगर जहाँ पर क्रॉप की पैदावार होती है जिससे खरबों रुपए की रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को हासिल होता है। यकीनी तौर पर ये क्रॉप मार्केट तो फॉर्म तभी कामयाब होगी जब यहाँ के मुआसरात बेहतर होंगे। मुआसरात तब बेहतर होगी जब ठेकेदार एक क्लास के होंगे, बेहतरीन काम करते होंगे, तभी ये काम मुकम्मल होगा। चौधरी इफ्तिखार अहमद क्योंकि सांगड़ में एक अरसे से मुआसरात के हवाले से काम कर रहे हैं, बुजुर्गों ने भी ये काम किया और अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए चौधरी इफ्तिखार अहमद इस वक्त सांगड़ में मुआसरात के हवाले से अगर देखा जाए तो अपनी मिसाल आप रखते हैं। इला तफरीक उनके काम इस वक्त अपनी जगह मौजूद है। इस वक्त चौधरी इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, कहा जाता है कि कौमों की तरक्की का राज बेहतरीन मुआसरात पर है। अगर हमारा जो जिला है वो क्रॉप के हवाले से नंबर वन है, यहाँ पर ऑयल एंड गैस के हवाले से देखा जाए नंबर वन है। फार्मर तब कामयाब हो गया जब उसको एक अच्छे रोड मिलेंगे, अच्छे उसको जगह मिलेगी मार्केट तक पहुंचने के लिए। क्या कहेंगे, क्या एम लेकर आप इस फील्ड में आए? सिंध गवर्नमेंट ने ये 3-4 साल से बड़े अच्छे काम करवाए। हमारे सांगड़ के तमाम रोड जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट थे वो तमाम बेहतरीन हो गए, आला किस्म के रोड बने और फार्म टू मार्केट भी तकरीबन जो है ना वो 80% रोड कम्प्लीट हो चुके हैं। और इस साल भी इंशाल्लाह, अभी तक बजट आया नहीं, आने वाला है, जैसे आएगा बकाया काम जो रह रहे चल रहे वो भी इंशाल्लाह पाया तकमील को पहुंचेंगे। चलो सब, कहा जाता है कि मुआसरात जो सिंध के अंदर जो शोभा जाते हैं जैसे हाईवे डिपार्टमेंट है, वर्क्स डिपार्टमेंट जो कहा जाता है कि वो वहाँ पे काम जो है वो बगैर कमीशन के नहीं होते, आप वेर स्पीड में काम कर रहे हैं, सीनियर हैं, तो किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं आप इस सारे सिस्टम को? बस सिस्टम जो चला आ रहा है पुराने दौरों से, आज का नहीं है, ये 1950 से उससे भी पहले का चल रहा है, उसी तरीके से चल रहा है। थोड़ी बहुत हर जगह पे जो है ना वो मसला चलता है, लेकिन उसके साथ साथ काम भी अच्छी क्वालिटी के और अच्छे काम हो रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर आपको तंग ना किया जाए, आपको अपनी मर्जी से काम किया जाए तो इसमें क्वालिटी में बेहतरी आ सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकती है। ये जो ज्यादा जो कभी कभी परेशान करते हैं अगर वो नहीं करे तो अच्छा काम भी हो सकता है। बिल्कुल। पेमेंट का क्या तरीका कार है? बर वक्त मिलना से भी पेमेंट बर वक्त मिलती है, किस्तों वाला सिस्टम है, हर 3 महीने के बाद क्वार्टर आता है, क्वार्टरली डिस्ट्रिक्ट के जो भी काम है वो क्वार्टरली हो रहे हैं। तो 4 साल में 4 क्वार्टर आते हैं, 3 महीने के बाद 1 क्वार्टर आता है वो काम चलता है, फिर दूसरा क्वार्टर आता है। तो फिर तो मतलब आप समझ रहे काम में ब्रेक आ रही है? ब्रेक आ रही है कंटिन्यू। अगर पैसे एक ही दफा दे दिए जाए तो काम जो 1 साल का काम है वो 2 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है। क्या समझते हैं कि काम जो तरक्की कर सकते हैं उसके लिए कैसा ऐसा सिस्टम आए, कौन सा सिस्टम आए जिससे कि मतलब हम बेहतर क्वालिटी दे सकते हैं सिंध गवर्नमेंट को और फार्मर्स टू मार्केट को? अच्छा बस उसमें ये है कि फंड्स जो है वो टाइम पर दिए जाए और एक टीम रखी जाए इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए, तो काम तमाम अच्छे और बेहतर हो सकते हैं। मतलब ठेकेदार को कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ कोई अगर बेशक चेक एंड बैलेंस होता रहे आपके लिए कोई मसला नहीं, तकलीफ नहीं। जो काम का अच्छा काम करने वाला है उसके लिए कोई तकलीफ नहीं। जी चौधरी इफ्तिखार अहमद जो कि सांगड़ के अंदर मुआसलात के अलावा हवाले से अपना आप नाम रखते हैं, इनके बुजुर्गों की जानिब से भी यहाँ पर मुआसलात के हवाले से काम किया जा रहा है। इनका कहना है कि अगर सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि सिंध के अंदर मुआसलात बेहतर हो, ये भी कहना है कि अगर चाहती है सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं वो तेजी से हो तो जरूरत इस कमर की है कि यकमुश्त यहाँ पर पेमेंट